पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरठ की गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में 15 किलो सोने की लूट के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी हुई है। बताया गया है कि लूटे गए सोने के अंदर जीपीएस लगा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस को बदमाशों की लोकेशन मालूम चल गई है। पुलिस ने जीपीएस से ट्रैक करके बदमाशों की कार को NH-58 स्थित वंडर सिटी से बरामद कर लिया। यहां पर लोकेशन मिलने के बाद पुलिस कॉम्बिंग में जुट गई, उस सेंट्रो कार को बरामद कर लिया जिस सेंट्रो कार से बदमाशों का फरार होना बताया गया था। कार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का झंडा लगा हुआ है और हिंदू युवा वाहिनी के किसी पदाधिकारी की कार बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने कार को बरामद करने के बाद दिल्ली रोड पर MIT के सामने वंडर सिटी में एक मकान की भी तलाशी ली। पुलिस ने कई संदिग्धों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जबकि मेरठ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जा चुके पुराने ASP और SP सिटी को भी मौके पर बुलाया गया है। कुर्सी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपके बाजार में मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी का कार्यालय, जहाँ गोल्ड के बदले में लोन दिया जाता है, वहाँ पर दो लड़के आए। उनके तीन कर्मचारी थे, तीनों को असलहे के दम पर धमकी देकर वहाँ से लूट कर लिए। जो कर्मचारियों के अनुसार 12 से 15 किलो के बीच में ये गोल्ड हो सकता है, और जो उनकी सूचना थी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो संदिग्ध है उनकी तलाश की जा रही है और कई टीमें लगे हुई हैं, और इसमें ठीक प्रयास करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी का सम्यक प्रयास किया जा रहा है। अभी ये घर में तलाशी चल रही है, किसका मकान? जो भी संदिग्ध हैं उनके तलाशी की जा रही है और उनकी गतिविधियों की छानबीन की जा रही है, और जैसा भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या हिंदू वाहिनी से जुड़ा हुआ है? अब इसकी जानकारी हमें नहीं है किससे जुड़ा हुआ है। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, एक घटना घटी है, उसमें शामिल दो अपराधी हैं, उनकी हमें तलाश है। तकरीबन ये सोना कितने मूल्य का होगा? आज सराफा का जो भी मार्केट रहा हो हमारे समझ से 3 करोड़ के आसपास होगा। वहाँ से उठाया था, उस संदिग्ध ने कुछ इनपुट दिया जो बैंक के? कई संदिग्धों से हम पूछताछ कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी को स्टाफ की भी हाथ आ रहा था कुछ सामने? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। स्टाफ तो कुछ पूछा क्या? सारी जाँच हमारी चल रही है, जितने प्रकार जितने एंगल हो सकते हैं, जितना मतलब हमारी क्षमता है, हमारे पास जितनी क्षमता है सारी क्षमता के अनुसार हम काम कर रहे हैं। कितने लोग पूछताछ के लिए हिरासत में? बड़े क्रिमिनल हैं। एक बार में एक ही आदमी पूछे तो? कितने लोग हिरासत में पूछताछ के लिए? हिरासत में नहीं है, पूछताछ की जा रही है। सर ये जो पकड़ा गया है, जिसको ढूंढा जा रहा है, इसका कोई क्रिमिनल इतिहास रहा है? सब पता किया जा रहा है।